हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम तापमान कहते हैं, मतलब किसी भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसको मेजर करने की जो डिग्री होती है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। अब टेम्परेचर की स्केल्स कितनी होती हैं? टेम्परेचर को नापने की तीन स्केल्स होती हैं, जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। जो सेल्सियस स्केल होती है उसको इन्वेंट किया है एंडर्स सेल्सियस ने, उन्हीं के ऑनर में इसका सेल्सियस स्केल नाम रखा गया है। इसको हम सेल्सियस डिग्री सेल्सियस कहते हैं या डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, दोनों नाम से हम इसको जानते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। जैसे लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो होता है जिस टेम्परेचर पे पानी जो होता है वो फ्रीज होता है, और इसका जो अपर फिक्स पॉइंट होता है उसको 100 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। जैसे कि जिस टेम्परेचर पे पानी उबलना शुरू होता है उस टेम्परेचर को अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं, तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड लिया गया है। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसकी यूनिट होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अपर फिक्स पॉइंट जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। थर्ड होता है केल्विन स्केल। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट जो पानी का लिया गया है वो लिया गया है 273 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट लिया गया है वो लिया गया है 373 केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होती है वो केल्विन को लिया गया है। अब हम देखेंगे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कैसे चेंज करते हैं। अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो उसके लिए हमको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। और अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में किसी भी नंबर को चेंज करना है तो उसको हम करेंगे सी इक्वल टू सेल्सियस इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें।